बुलडोजर है लीडर ऑफ जैश ए मोहम्मद, जो इंडिया का काफी वांटेड टेररिस्ट है, उसको इंडिया काफी देर से एफर्ट कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो देश कमेटी है, जो 1267 सैंक्शंस कमेटी है, उसमें उसकी अनलिस्टिंग कर दी जाए। लेकिन हर बार जब इंडिया एफर्ट करता था, चाइना टेक्निकल होल्ड लगा देता था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस बार ऐसा स्पेशल क्या हुआ कि जो टेक्निकल होल्ड चाइना हमेशा से लगाता आया है, वो इस बार चाइना ने नहीं लगाई और मसूद अजहर को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उसका नाम जो 1267 सैंक्शंस कमेटी है उसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मसूद अजहर के बारे में बात करते हैं कि अभी इसको लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं है कि अभी एफर्ट किए और फर्स्ट टाइम ही ये लिस्ट हो गया। पहले भी इंडिया ने काफी बार एफर्ट किए हैं, नियर अबाउट 4 एफर्ट्स हुए हैं जो रिपीटेडली चाइना के द्वारा ब्लो किए गए। जैसे 2008 में हमारे 26/11 अटैक्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि 2009 में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लेके जाते हैं कि प्लीज मसूद अजहर को आप लिस्ट कर दीजिए एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। लेकिन क्या होता है, उस टाइम चाइना अपनी टेक्निकल होल्ड अप्लाई कर देता है। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें यूएसए आता है, उसमें रशिया आता है, उसमें ब्रिटेन आता है, उसमें फ्रांस आता है और उसमें चाइना आता है। तो ये 5 नेशंस हैं। तो कोई भी मैटर अगर ऐसा सिक्योरिटी के रिलेटेड, वर्ल्ड सिक्योरिटी के रिलेटेड लेना हो, तो ये 5ों मेंबर एग्री करने चाहिए। तो इनको P5 भी बोल दिया जाता है, जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर एक बंदा भी, एक नेशन भी इन 5ों में से अपनी टेक्निकल होल्ड लगा देता है, तो वो जो मैटर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अप्रूव नहीं हो पाता। तो 2009 में ऐसा ही हुआ, सभी नेशंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चाइना ने एफर्ट जो था ब्लॉक कर दिया। सेकंड बार जब हमने अटेम्प्ट की तो 2016 में की गई, जब हमारे पठानकोट के एयरबेस पे अटैक हुआ, उसके बाद हमने एफर्ट किया, फिर से क्या हुआ, चाइना ने अपनी टेक्निकल होल्ड लगाई। तो इस टाइम पे दोस्तों डिफरेंस क्या था कि इंडिया खुद से एफर्ट कर रहा था, तो इसको चाइना एक ये कह के भी ब्लॉक कर रहा था कि देखिए, जो इंडिया है वो इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है उसको मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका खुद का मसला है, ये इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ। तो इससे क्या हो रहा था, इंडिया का केस इतना स्ट्रांग नहीं बन रहा था। लेकिन 2017 में ऐसा हुआ कि जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स था, यूनाइटेड किंगडम था और फ्रांस ने अपनी तरफ से ये मूव इनिशिएट की कि मसूद अजहर को एनलिस्ट कर दिया जाए। तो एक तरह से ग्लोबल जो इंडिया की बात थी कि इसको लिस्ट किया जाए 1267 सैंक्शंस कमेटी में, वो एक तरह से ग्लोबल कंसेंसस बनती हुई नजर आई। तो लेकिन उस टाइम भी चाइना जो है उसने अपनी टेक्निकल होल्ड लगा दी और ये बोला कि अभी इनफ एविडेंस मसूद अजहर के अगेंस्ट नहीं है। तो दोस्तों, फोर्थ जो एफर्ट होता है वो अभी 2019 में, जो फरवरी में 14 फेब को पुलवामा टेरर अटैक हुआ, उस टेरर अटैक के बाद इंडिया ने किया। और इनफैक्ट इसमें भी जो फ्रांस था, यूएस था, यूके था, देवर सपोर्टिंग इंडिया, लेकिन फिर से चाइना ने अपनी होल्ड लगाई। तो वीडियो आज की यही है कि देखा जाए कि ऐसा क्या हुआ स्पेशल इस टाइम पे। तो दोस्तों, हम आपको ये जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो मल्टीपल स्लाइड्स में देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक रीजन की वजह से हम सक्सेसफुल हो पाए। मल्टीपल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस एक साथ मिलके एक आइडियल लेवल पे आ गई और जिसकी वजह से ये लिस्टिंग हो गई। तो पहली बात तो देखिए, हमें अपने जो डिप्लोमेसी है उसको जरूर प्रेज करना चाहिए, बिकॉज हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन द यूनाइटेड नेशन और जो डिफरेंट कंट्रीज में, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस एफर्ट किए और जो करंट गवर्नमेंट है उसने भी बहुत ज्यादा इंटेंस एफर्ट किए। इट वुड बी रॉन्ग, ये कहना रॉन्ग होगा कि करंट गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और डिप्लोमेसी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो आईएफएस ऑफिसर्स उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो एक तरह से बिल्डअप हुआ चाइना के ऊपर। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगला रीजन है, सेकंड रीजन है, वो है आपका सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि चाइना जो है उसका एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो अपनी जो आउटरीच है वो वर्ल्ड में बढ़ानी चाहता
जाता है कि किस किसके थ्रू, वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेटजिक और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रॉपरली प्लान कर रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा कि डिफरेंट कंट्रीज में रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स, पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं चाइना के लोन के थ्रू और चाइना की कंपनीज के थ्रू। इससे क्या होगा कि एक तो चाइना का जो जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो रहा है, और एक तरह और चाइना की जो प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पे वो इंक्रीज हो रही है। तो इस पार्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया हुआ है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो रीजन है, अगर हम बात करें पाकिस्तान का नहीं, बेसिकली वो इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन वो इस टाइम पे पीओ की है। ये आपका रीजन जो मैं जहां पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इसमें से होके जो इनका एक कॉरिडोर निकलता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेसिकली कुछ नहीं है, बस बेसिकली ये है कि रोड, रेलवे और पाइपलाइंस हैं, जिसके थ्रू चाइना का जो ये वेस्टर्न साइड है, ये ग्वादर पोर्ट को लिंक कर रही है। तो आप यहां से देख सकते हो रोड, रेलवे नेटवर्क्स बन रहे हैं। तो इसमें चाइना जो है बहुत सारी मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके एसेट्स वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके वर्कर्स भी चाइना के वहां पे काम करते हैं और इनकी कंपनीज वहां पे काम करती हैं। तो चाइना को इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं, लाइक पाकिस्तान को भी बेनिफिट होने वाले हैं, वहां होने वाले हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, अब जब इन्वेस्टमेंट इतने लेवल पे चल रही है, इतना ज्यादा इकोनॉमिक स्टेक है पाकिस्तान में चाइना का, तो सर्टनली चाइना वरिड होगा कि अगर कोई भी टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में बेस्ड है, अगर उनके वर्कर्स को, उनकी कंपनीज को थ्रेट इश्यू करते हैं, दैट वुड बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर चाइना। तो ये चाइना के लिए एक प्रॉब्लमेटिक थिंग होगी। उसकी वजह से चाइना ने अब माइंड बनाया कि हाँ, हमें एक्ट करना चाहिए, और जो टेररिस्ट हैं उनको एक तरह से, जो जो जिन जो बार बार ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं टेररिस्ट अटैक्स में, उनको लिस्टिंग में लेके आना चाहिए। तो ये भी एक चाइना का खुद का भी कंसर्न था उसको वहां पे लिस्ट करने के लिए मसूद अजहर को। तो दोस्तों, जो हम थर्ड रीजन बात करेंगे वो करेंगे इंडो चाइना रिलेशन की। तो देखिए अभी क्या है, इंडो चाइना रिलेशन जो है, आपको पता है डोकलाम इशू हुआ, डोकलाम जो जो हमारा स्टैंड ऑफ था, उसके बाद आपकी जो वुहान मीटिंग हुई, वुहान स्पिरिट थी, और जहां पे ये बात करी गई कि जो जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट्स में ना बदले जाएं और कन्वर्जेंसेस जो हैं बिल्ड की जाएं और जो डिफरेंसेज हैं उनके ऊपर काम किया जाए। तो इसके लिए जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड होना था वो इस एक्शन से हो सकता है, बिकॉज अब चाइना ने जैसे अपनी टेक्निकल होल्ड लिफ्ट कर दिया और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है, उससे क्या है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड होता है इंडिया और चाइना के बीच में, जिससे जो डिप्लोमेसी है वो आगे मूव कर सकती है। डायलॉग प्रोसेस जो है, जो अपने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक और डायलॉग प्रोसेस को एक बूस्ट मिलेगा, और गुडविल, हम डिफरेंसेस के ऊपर काम कर जो उस पर काम कर सकते हैं डिफरेंसेस पे, और अपनी कन्वर्जेंसेस पे बिल्ड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए जो फोर्थ रीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आता है दोस्तों पाकिस्तान एंगल। अब ये जो रीजन है ये बहुत वेट रखता है अपने आप में, चाहे आप इसको लाइटली लें, चाहे आप इसको सीरियस वे में लें, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वेट रखता है। बिकॉज अभी देखिए मसूद अजहर की बात है, तो मीडिया में भी रिपोर्ट चल रही थी कुछ टाइम पहले, पाकिस्तान मीडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी और ग्लोबल मीडिया में भी, कि मसूद अजहर जो है वो एक तरह से अब बेड रिडन है, तो उसको उसकी स्पाइन प्रॉब्लम बताई जा रही थी, और रीनल प्रॉब्लम जो किडनी प्रॉब्लम है वो बताई जा रही थी। तो इसमें अब देखिए मसूद अजहर एक तरह से ये लग रहा है कि अब वो पाकिस्तान के लिए उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं रही है, बिकॉज वो अब खुद बीमार है, ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। तो आपको मैं यहाँ पे एक मसूद अजहर की फोटो दिखानी चाहूंगा। तो ये 2000 की फोटो है, ईयर 2000 की। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये बंदा ऑब्वियसली लग रहा है 35 to 40 years का। अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, बिकॉज मैं क्यों उसकी देखूंगा एग्जैक्ट एज, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन अभी जो है ये, अब आप देखिए कि 2019 चल रहा है, तो इसकी एज जो है वो काफी ज्यादा अब एक तरह से ये सीनियर सिटीजन बन चुका है अब। तो इसकी अब वो लेवल नहीं रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगा कि इसको अब बचा के रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रूव हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान की इमेज जो है वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा खराब हो रही है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की वजह से, और वो था मसूद अजहर। तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी
इसकी यूटिलिटी तो रही नहीं है, चलो ठीक है जी, इसको हम क्या कर देते हैं, अब हम ज्यादा प्रेशर नहीं भी डालते हैं और चाइना के इस डिसीजन को हम ज्यादा अपने ऑब्जेक्शंस नहीं सबमिट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मसूद अजहर एक तरह से एनलिस्ट अब हो गया और चाइना को भी पाकिस्तान चाइना ने पाकिस्तान को कन्विंस किया कि देखिए अब इसकी वैल्यू तो कोई नहीं है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अब ऐसे टेरर अटैक्स करने से पीछे हट जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मसूद अजहर ने बनाई थी, जैश ए मोहम्मद, वो अब भी पाकिस्तान उसको एज अ स्ट्रेटजिक एसेट देख रहा है। तो जैश ए मोहम्मद अभी भी काफी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जो मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं और ऑलरेडी रिक्रूटमेंट भी उनकी काफी ज्यादा है। हालांकि हमारी फोर्सेज ने काफी एक्शन लिया है, फिर भी जो जैश ए मोहम्मद है वो उसका काफी स्ट्रांग होल्ड है कश्मीर में। तो अगर ये कहें कि जैश ए मोहम्मद वीक हो चुकी है, तो नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल वीक हुआ है जो अभी उसका हेड है। तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में कोई और लीडर नहीं आ सकता। तो इंडिया को ऐसा तो है नहीं कि एफर्ट करने छोड़ देने हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद ऑलरेडी जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑलरेडी टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है 1267 सेंक्शंस कमेटी में। और नेक्स्ट बात अगर दोस्तों बात करें, तो ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में था, इंटरनेशनल प्रेशर में था, जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ, जो डिफरेंट टेरर अटैक्स हो रहे थे उनकी वजह से। और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो जो आपकी पेरिस में बेस्ड है, जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग को देखती है, वो उसकी उसकी लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। मतलब ग्रे लिस्ट में था, अगर पाकिस्तान कुछ ऐसे कंक्रीट एफर्ट्स नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता था, तो जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस प्रूव होता, बिकॉज पाकिस्तान के की इकोनॉमी इस टाइम शैम्बल्स में पड़ी है, उसके पास बहुत कम पैसा है पाकिस्तान के पास, और वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इकोनॉमी से ही देश चलता है। तो अब उनके पास एक तरह से वर्ल्ड लीडर्स को दिखाने के लिए ये बात होगी कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं और हमने मसूद अजहर को भी इनलिस्ट करवा दिया और उसके एसेट जो है उसको उनको फ्रीज कर दिया है। तो एक्शन एक तरह से ये भी पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी उसको पॉइंट देगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी कम होगा, और साथ ही साथ जो वो लोन लेने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, अब उसको कुछ बेटर टर्म्स पे मिल सकते हैं, बिकॉज वो कह सकेगा कि हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन था। तो आपके को मैंने ऑलरेडी मसूद अजहर के बारे में आपको दिखाई दिया कि आपके सामने वो है। तो देखिए अब फिफ्थ रीजन की बात है, जो चाइना का परस्पेक्टिव है, ये लास्ट रीजन है दोस्तों। तो अब सिंपल बात ये है कि देखिए चाइना जो है, इसकी एस्पिरेशंस क्या है, ग्लोबल पावर बनने की है, मतलब ये वर्ल्ड में अब एक डोमिनेंट रोल प्ले करने के लिए एस्पायर कर रहा है। और कोई भी ग्लोबल पावर जो जो ग्लोबल ऑर्डर में लीडिंग रोल प्ले करना चाहती है, उसको खुद को रिस्पॉन्सिबल पावर प्रोजेक्ट करना होता है। और अब चाइना जैसे मसूद अजहर को गार्ड कर रहा था अगेन एंड अगेन, तो चाइना की एक तरह से इमेज बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। और इनफैक्ट चाइना जो है, ज्यादातर चाइना को क्रिटिसाइज इस ये बात बोल के किया जाता है कि जो चाइना है वो हमेशा से क्या है कि ग्लोबल रूल्स को एक तरह से तोड़ता आया है। अभी जब सारी कंट्रीज इस पे एक तरह से कंसेंसस बन चुका था कि मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, तो चाइना के लिए एक इंडिविजुअल के ऊपर एक तरह से उसको उसको बचा के रखना बहुत ज्यादा उसके लिए कॉस्टली प्रूव हो रहा था और उसकी इमेज को भी हर्ट कर रहा था, और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। तो उसी की वजह से चाइना ने अपनी इमेज को देखते हुए कि हाँ हम एस्पायर कर रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ये एक्शन को अब अप्रूव कर दिया है। तो दोस्तों ये जो बात है, ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, एक जनरल पर्पस है आपको बताने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आपको बताया जाए कि सिर्फ एक कोई फैक्टर नहीं होता। नोट, अगर हम कहें कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एफर्ट्स बहुत हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, तो इनको माइंड में जरूर कंसिडर कीजिएगा। तो यही आज की वीडियो के बारे में। लास्टली आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा, और आपको अगर हमारा जो अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज हम ऐसी वीडियो से आते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, और हम 2020 के लिए अब प्रॉपर हमारा टाइम टेबल बन के तैयार हो चुका है, और कुछ दिन में हम रिलीज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे। और अगर आप उस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस फोन नंबर पे, दैट इज
8968426481, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस एट आर ईमेल आईडी दैट इज achieveies21@gmail.com, और 5-6 दिन में हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी, तो उस पर तो हम अपलोड कर ही देंगे टाइम टेबल अपना। तो शुक्रिया दोस्तों, हैव अ वेरी नाइस डे।